आज हम बना रहे हैं आटे की बर्फी। इसके लिए मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। आटे को मैं कढ़ाई में ऐसे ही सूखा भूनूंगी। भूनने के बाद हम अब इसमें डालेंगे 1/2 कप घी। घी डालने के बाद दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे, और तब तक भूनेंगे जब तक कि आटे से घी रिलीज ना हो जाए। ये देखिए आटा जो है वो अच्छे से भून रहा है, और ये हमारा आटा भूनकर तैयार हो गया है, घी भी रिलीज कर दिया है। इस स्टेज पर हम डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। ये देखिए मिल्क पाउडर मैंने डाल दिया है। अब हम डालेंगे 2 कप दूध जो रूम टेम्परेचर पे है, और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1/2 कप शक्कर, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि घी रिलीज ना हो। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। हमारा मिक्सर बनकर तैयार है। अब ट्रे को ग्रीस करेंगे और उसमें मिक्सर डाल देंगे और इसको कट कर लेंगे। ये देखिए बर्फी है ना तैयार।